तो दोस्तों हाल में ही रिलीज हुआ है जवान का ट्रेलर, और ट्रेलर भी कोई नॉर्मल ट्रेलर नहीं, ऐसा ट्रेलर जिसे देखकर मेरे ख्याल से अब बॉलीवुड वाले और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले ट्रेलर बनाना सच में सीखेंगे। जी हाँ, क्योंकि जैसा ट्रेलर इस बार जवान का निकला है, ऐसा ट्रेलर मैंने लाइफ में कभी और नहीं देखा। और ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 साल से लोग शाहरुख का कमबैक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, और ऐसा कमबैक किया है उन्होंने कि जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, और इतना ज़्यादा औसम इन्होंने कमबैक करा है कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और अगर मैं जवान के ट्रेलर की बात करूँ तो इसमें आपको गुस्सा, एक्शन, फन और थ्रिलर, मतलब सब कुछ इन्होंने ऐसा मिक्स करके आप लोगों के सामने रखा है कि आपको लगेगा नहीं कि भैया ये मूवी है। फिलहाल इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये है कि इसमें जो शाहरुख है, मतलब शाहरुख खान के आपको 5-6 रोल दिखने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ मिक्स है। अगर आप देखने जाओगे तो आपको लेयर बाय लेयर ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। और अगर इसमें मैं बात करूं एक्शन की, तो आपको एक्शन भी बहुत अलग लेवल का दिखने वाला है। जो पहले होता था ना कि गाड़ियां उड़ रही हैं, बम से लोग उड़ रहे हैं या फिर घरें, कारें सारे उड़ रही हैं, आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शाहरुख खान उन एक्टरों में से हैं जो सिंगल खड़े होके भी ऐसा एक्शन और ऐसा तहलका मचा देते हैं कि आपको मजा आ जाता है। जी हाँ, क्योंकि आप बहुत सारे सीन में आपने देखा होगा ट्रेलर में कि शाहरुख खान पूरे खून से लथपथ हैं, और फिर भी फोकस उन्हीं पे है, क्योंकि एक अकेला बंदा पूरी मूवी चेंज कर सकता है, और यही सीन जवान के ट्रेलर के साथ है। और इसमें वन एंड आर्मी शाहरुख खान ही है। डर, बाजीगर और बहुत सारे ऐसे विलन वाले रोल के बाद इन्होंने बहुत टाइम बाद कमबैक करा है एज अ विलन, जो कि ट्रेलर में दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इतने टाइम बाद जो उन्होंने कमबैक करा है वो भी नेगेटिव रोल में, तो वो कैसा रहेगा। फिलहाल ट्रेलर में तो उन्होंने बहुत खतरनाक धूम मचा रखी है, और लोग यही वेट कर रहे हैं कि कब ये मूवी रिलीज होगी। और जब स्टार्टिंग में जवान के एक सॉन्ग्स रिलीज हुए थे, तब लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसाइज करा था अनिरुद्ध को कि कैसे आउटडेटेड सॉन्ग्स है इसमें, या फिर सॉन्ग इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, अच्छी फील नहीं आ रही है। लेकिन आप ट्रेलर देखने के बाद जरूर ये कहेंगे कि जो भी एक्शन सीन्स हैं या फिर पूरे मूवी में जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा औसम है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और सिंपल से रोल में या फिर सिंपल से एक्शन में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अच्छा डाला है अनिरुद्ध ने कि वो उसमें 4 चांद लगा देता है। तो अगर आप सीट पर बैठे हैं तो साउंड इफेक्ट और जो भी इसमें एक्शन आपको देखने को मिलेगा, और एक्शन के पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा, ये आपके रोंगटे खड़े करने को तैयार बैठा है। तो अपनी सीट बेल्ट जरूर बांध लेना। फिलहाल डिस्क्लोज तो कहीं नहीं हुआ कि अभी जवान में शाहरुख नेगेटिव रोल में है या पॉजिटिव रोल में है, लेकिन विजय सेतुपति की इस बीच की जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आप मूवी देखने जाओगे ना तो आप सच में चूज करने से परेशान हो जाओगे कि आप एज अ विलन शाहरुख को चूज करेंगे या फिर आप एज अ विलन विजय सेतुपति को चूज करेंगे, क्योंकि इनका एक्टिंग और एक्शन दोनों का ही औसम है, और ये दोनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नंबर 1 है। तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपकी आंखें दोनों पर रहेंगी, आप शाहरुख को देखेंगे और विजय सेतुपति को देखेंगे, तो दोनों की एक्शन बहुत ज़्यादा दमदार। और जवान रिलीज हो रही है 7 सितंबर को, मतलब कुछ ही दिन में रिलीज हो जाएगी और आप थिएटर में जाके इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्रेलर निकला है, और अगर आप बहुत टाइम पीछे की बात करेंगे तो बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई हैं, और अगर आप उनके ट्रेलर देखोगे ना तो उसमें आपको वही वाले सीन दिखाएंगे जिसमें गाड़ियाँ उड़ रही हैं या फिर लोग पिट रहे हैं या फिर कोई थोड़ा सा रोमांस वाला देते हैं। लेकिन अगर आप जवान का ट्रेलर देखेंगे तो इसमें शाहरुख खान हंसते हंसते ऐसी बातें करते थे कि सामने वाले का पेंट गीला हो जाता है और पता ही नहीं चलता। और इसमें सारा मिक्स इमोशन है, आपको ट्रेलर देख के हंसी भी आएगी, आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। और यही सारा मेन होता है आपका ट्रेलर, के लोगों को आप कैसे बांध के रखते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा दिन नहीं, बस कुछ दिन का इंतजार है जवान के रिलीज होने का, और आप जवान जाके जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताने कि आपको ये मूवी कैसा लगी। तब तक के लिए बाय।